28 बेसिकली तीन चार डिमांड्स हैं हमारी हमारी एसोसिएशन ने इसी के रिगार्डिंग एक साइलेंट प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट किया, जिससे हम इनिशियली ब्लैक बैजेस लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली तो ये है कि जो NPA है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जो कि डॉक्टर्स को दिया जाता था, वो पिछले एक साल से लगभग नहीं मिल रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में कार्यरत चिकित्सकों ने शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में काले बिल्ले लगाकर काम करते हुए सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। चिकित्सक ने मुख्यतः तीन मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठाई है, जिसमें से एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जारी कर दें, 4/9/14 की वेतन वृद्धि देने और पदोन्नति के लिए DPC को शुरू करने की मांग उठाई गई है। साथ ही चिकित्सकों ने अल्टीमेटम दिया है कि मांगे पूरी नहीं होने की सूरत में विरोध जारी रहेगा। काबिले गौर है कि चिकित्सकों द्वारा पहले भी इस मामले को लेकर सरकार के समक्ष मांग उठाई जा चुकी है और पेन डाउन हड़ताल भी की जा चुकी है। डॉक्टर कपिल भी बोल रहे थे, मैं क्या जरा मौसम देख ले तो अभी रुक लो। 28 बेसिकली तीन चार डिमांड्स हैं हमारी हमारी एसोसिएशन ने इसी के रिगार्डिंग एक साइलेंट प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट किया, जिससे हम इनिशियली ब्लैक बैजेस लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली तो ये है कि जो NPA है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जो कि डॉक्टर्स को दिया जाता था, वो पिछले एक साल से लगभग नहीं मिल रहा है। दूसरा जो है, एक टाइम स्केल होता है 4/9/14 सैलरी हाइक करने के लिए, तो वो भी जो है नोटिफिकेशन जनवरी 2022 से बंद है। तीसरा जो है, एक DPC BMO CMO डायरेक्टर जो बनते हैं, तो वो भी लगता है एक दो साल से बंद है। इसी के रिगार्डिंग जो है हमारे एसोसिएशन ने मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए ये है स्ट्राइक जैसा। अगर साइलेंट प्रोटेस्ट के बावजूद आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, तो अगला क्या कदम होगा? देखिए, जैसे हमारी स्टेट की एसोसिएशन हमें आदेश देगी, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप सिर्फ ब्लैक बैजेस लगाइए। कब तक ये अभियान जो है? अगले 10-12 दिन तक शायद साइलेंट प्रोटेस्ट ही ब्लैक बैजेस के द्वारा किया जाएगा। थैंक यू।